नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल लोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। दिल्ली में ठंड का 3 डिग्री वाला टॉर्चर, ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान में माइनस में पहुंचा पारा। मौसम विभाग की चेतावनी ने दिल्ली वासियों की टेंशन और बढ़ा दी है। विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि दिल्ली पर ठंड का टॉर्चर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। उसके मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में दिन में भी जबरदस्त ठंड होगी और शीत लहर चलेगी। केंद्र बंगाल सरकार में ठनी कोरोना का हवाला देकर डीजीपी चीफ सेक्रेटरी का दिल्ली आने से इनकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को आज फिर तलब किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों ने ही दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी ने कल बुलाई शीर्ष नेताओं की बैठक। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को भी न्योता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक 19 दिसंबर को बुलाई है। सोनिया ने कांग्रेस में नाराज चल रहे वरिष्ठ नेताओं को भी बैठक में बुलाया है, जिन्होंने हाल ही में चिट्ठी लिखकर पार्टी में स्थायी अध्यक्ष समेत संगठन के चुनाव कर बदलाव करने की मांग की थी। लोगों को दिए गए कोरोना वैक्सीन के फुल डोज जाने रिजल्ट पर क्या बोला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि कोविड 19 वैक्सीन कैंडिडेट्स को 2 फुल डोज देने पर उनका इम्यून सिस्टम का रिस्पांस अच्छा है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी ने कहा कि एक और आधा यानी 1.5 डोज देने के बजाय जब कैंडिडेट्स को 2 फुल डोज दिए गए तो उनके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स अच्छा देखा गया। बिहार में किरण यादव को महंगी पड़ी फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट, गिरफ्तार। बिहार में सोशल मीडिया पर चर्चित किरण यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की ये कार्रवाई किरण यादव के एक भड़काऊ पोस्ट के बाद हुई है। सोशल मीडिया से फेमस हुई किरण यादव ने पिछले दिनों अपने अकाउंट से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला पोस्ट किया था। भारत की पहली पारी 244 रन पर सिमटी स्टॉक ने झटके 4 विकेट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया पहली पारी में 244 रनों में ही ढेर हो गई। भारत के लिए कप्तान विराट कोहली ने 74 और चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टॉक ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। भारत को ओपन पुछले बल्लेबाज से उम्मीद थी कि वो 300 रन के पार पहुंचाएंगे, लेकिन भारत ने अपने बचे हुए 4 विकेट सिर्फ 11 रनों पर गवा दिए। अमेरिका में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भी एफडीए की मिली मंजूरी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की कवायद जारी है। इस महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन के ट्रायल का दौर चल रहा है। इस बीच अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक पैनल ने मॉडर्ना के कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। पैनल ने इसे कोविड से निपटने का दूसरा विकल्प बताया है। तेज वेक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट के आईपीओ को इस साल का सबसे तगड़ा सब्सक्रिप्शन मिला है। सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ये इस साल का सबसे सुपर हिट आईपीओ साबित हुआ है। आखिरी दिन यानी 17 दिसंबर को सबसे ज़्यादा आईपीओ के लिए आवेदन किए गए हैं। ये आईपीओ अपने इशू साइज से 199 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ है। अंटार्कटिका में 3 महीने में 30,000 से ज्यादा भूकंप। वजह है बेहद खतरनाक। हमारी धरती पर 7 महाद्वीप हैं, इनमें से एक महाद्वीप पर पिछले 3 महीने में 30,000 से ज्यादा बार भूकंप आ चुके हैं। ये दावा किया है कि चिली के वैज्ञानिकों ने इस महाद्वीप पर अगस्त महीने के अंत से लेकर अब तक हजारों बार भूकंप आया है, इनमें से कई तो रिक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता के भी थे। कृषि मंत्री के आश्वासन पर बोले किसान नेता, कानून वापसी तक जारी रहेगा हमारा आंदोलन। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान सरकार के हर प्रस्ताव पर, हर अपील को दरकिनार कर रहे हैं। सुलह समझौते की कोशिश की बजाय आंदोलन और तेज किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा से किसानों के दल लगातार दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका जा रहा है। ये चेतावनी भी दी गई है कि सरकार ने रोक टोक बंद नहीं की तो सारे रास्ते फिर से बंद कर दिए जाएंगे। बंगाल की सियासत में मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, शंकु
देव पांडा शुभेंदु अधिकारी, ये वो नाम है जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता का सिंहासन दिलाने के लिए जी जान लगा दी थी, लेकिन इन सारे नेताओं का टीएमसी से मोहभंग हो गया है और अब बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए जुगत में है। फिर फूट फूट कर रहे बाबा का ढाबा वाले बाबा, कहा जान से मारने की मिल रही धमकी। लगातार मिली धमकियों के कारण बाबा ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की है, जिस पर पुलिस ने अभी एक एफआईआर तो दर्ज नहीं किया है, लेकिन शिकायत के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। आईपीएस मामले में ममता बनर्जी को केजरीवाल का साथ, दिल्ली सीएम बोले राज्य के अधिकारों में दखल दे रहा केंद्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि ममता बनर्जी का समर्थन उन्होंने किया है। केंद्र द्वारा बंगाल के 3 अफसरों को प्रतिनियुक्ति करने के आदेश पर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने हैं। किसानों का आंदोलन जारी, आज हरियाणा में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह उतर सकते हैं सड़क पर। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में कैथल में कहा था, अगर वो यानी कि किसान मुझसे संपर्क करते तो मैं किसानों की अगुवाई करने के लिए तैयार था। कृषि कानूनों के बारे में किसानों की शंकाओं को दूर करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि किसानों को लगता है कि कानून उनके लिए हानिकारक है। केरल में पलक्कड़ नगर पालिका दफ्तर पर लगा जय श्री राम का बैनर, एफआईआर दर्ज। केरल के पलक्कड़ नगर पालिका दफ्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए जय श्री राम बैनर पर बवाल शुरू हो गया है। पुलिस ने नगर पालिका सचिव की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की है। मेसी रोनाल्डो जैसे दिग्गजों को पछाड़ इस फुटबॉलर ने जीत लिया फीफा अवार्ड। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। इसके साथ ही 32 साल का ये स्ट्राइकर मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म कर फीफा अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है। धौलपुर में 18 साल की लड़की अगवा, पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर दर्ज किया केस। राजस्थान के धौलपुर से एक 18 साल की नाबालिग लड़की की अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और लड़की की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। नोएडा में नाबालिग बेटी से रेप के मामले में पिता दोषी करार हुई 7 साल की जेल। फरवरी 2015 में नोएडा में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके पति ने दुष्कर्म किया है। महिला ने आरोपी पति के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 24 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। अमेठी में मदरसे के शिक्षक ने की नाबालिग से रेप की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया पूरा मामला। यूपी के मदरसे में एक नाबालिग लड़की के साथ मदरसे के शिक्षक ने रेप की कोशिश की। लड़की को घर में अकेला पाकर उसे बेहोश किया गया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का बेटा गिरफ्तार, पिता से मिलने आ रहा था कोर्ट। अनिल प्रजापति पर जालसाजी धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर काफी समय से लखनऊ पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। महज फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।